एक लॉट में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा आपका 10,056 रुपए। नो लॉस ऑप्शन स्ट्रेटजी में हम कैसा धमाका करने वाले हैं? करना किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी इंडेक्स पे। बड़े बड़े ट्रेडर्स लाखों रुपए के कोर्स में सिखाते हैं। मार्केट किसी भी साइड पे जाए, आपके पास पूरा 6 घंटे का टाइम होगा अपनी पोजिशन को स्केयर ऑफ करने के लिए। मतलब मार्केट गया ऊपर तो भी पैसा, मार्केट आया नीचे तो भी पैसा, मार्केट साइडवेज रह गया तो ब्रोकरेज का लॉस। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई, जब से मैंने अपनी ऑप्शन सेलिंग की सीरीज स्टार्ट की थी ना, जिसकी 6-7 वीडियोस में डाल चुका हूँ, जहां पे हमने अपना पूरा ऑप्शन सेलिंग का कोर्स आपको कम्प्लीटली फ्री में दिया, आज उसकी हम एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे इस वीडियो के साथ, उस सीरीज का दी एंड होने वाला है, वहां पे मैंने एक बात आपसे प्रॉमिस की थी कि मैं सीरीज के एंड में आपके लिए एक नो लॉस स्ट्रेटजी लेके आऊंगा, जहां पे आपका लॉस हो ही नहीं सकता और प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा। अब ये स्ट्रेटजी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी नहीं है, दिस इज अ डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। अब डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, आपको बेसिकली थोड़ा सा ये बता देता हूँ। नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग होती है जब आप ऑप्शन सेलिंग ये माइंड में सोच के कर रहे हो कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, ठीक है, आप ऊपर से कॉल भेजते हो, नीचे से पुट भेजते हो, एक स्ट्रेडर या स्ट्रेंगल दोनों में से कुछ, आयरन बटरफ्लाई वगैरह बना। अब ये डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या होती है, यहाँ पे आपको उम्मीद होती है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, दोनों में से एक साइड जाएगी। अब आपका व्यू चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, व्यू सही हो या गलत हो, मार्केट मूव करनी चाहिए। अगर मार्केट ने मूव दे दिया, मूव भी कितना, 0.5% का, 0.5% मूव, जो कि कुछ भी नहीं होता। अगर मार्केट ने इतना मूव भी दे दिया तो आपका बन जाएगा काफी बड़ा पैसा, और अगर मार्केट साइडवेज रह गई तो आपको ब्रोकरेज जितनी अमाउंट का लॉस हो जाएगा। यहाँ पे इतना सिंपल सिस्टम है। इसको किया कब जा सकता है, इसको किया जा सकता है एक्सपायरी वाले डे पे या उससे एक दिन पहले 3 बजे, आइदर ऑन एक्सपायरी डे या उससे एक दिन पहले 3 बजे आप पोजिशन भी इसकी बना सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चीज में। करना किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी इंडेक्स पे। और आपको पता है अब तो हर रोज किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। आज मंडे है, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैं मिड कैप निफ्टी की एग्जांपल देके आपको ये सिस्टम समझाने लगा हूँ। आज जब वीडियो आएगी शाम को तो आप फिन निफ्टी पे देखना इसको, और कल सुबह फिन निफ्टी पे अप्लाई करके अपनी आंखों के सामने मजा देखना, कैसा मजा आपको मिलता है। यहाँ पे करना क्या है, आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन ओपन कर देनी है। अब अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, मैंने आपको आगे भी बताया था, ऑप्शन बाइंग में पैसा तब बनता है जब आपका 20 वाला प्रीमियम, 20 रुपीज पे आपने कोई चीज को बाय किया, वो 100 का हो जाता है, 25 का हो जाता है, 30, मतलब बढ़ जाता है। बट ऑप्शन सेलिंग में आपका पैसा कब बनता है, जब ये प्रीमियम कम हो जाता है, जब 100 वाला प्रीमियम 20 का होगा तब आपको ऑप्शन सेलिंग में बनता है पैसा, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग से उल्टी होती है। जैसे हम ऊपर मार्केट जाने पे कॉल बाय करते हैं, यहाँ पे हम मार्केट ऊपर जाने पे पुट को शॉर्ट करते हैं, पुट को सेल करते हैं, और मार्केट नीचे आने पे हम पुट बाय करते हैं, यहाँ पे हम ऊपर से कॉल सेल करते हैं। ये सारे बेसिक कंसेप्ट की वीडियो इन डिटेल बना के डाली हुई है चैनल पे। अब आप देखो, नो लॉस ऑप्शन स्ट्रेटजी में हम कैसा धमाका करने वाले हैं। बट इससे पहले ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और वीडियो के एंड में कमेंट करके जाना कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा, और कल टेस्ट करके बताना जरूर आके दोबारा कि भाई जो सिस्टम दिया आपको वो जेन्युइन है या नहीं। अब ये जो सिस्टम है, ये यूट्यूबर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स लाखों रुपए के कोर्स में सिखाते हैं, तो इस वीडियो को वैल्यू करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जरूर। अगर कोई फ्री की नॉलेज आपको मिल रही है जिससे जिसकी वैल्यू इन लैक्स है, तो उसकी इंपॉर्टेंस जानना प्लीज। कोई भी काम कर रहे हो तो साइड पे रख दो, 2 मिनट में आपको सिस्टम समझा दूंगा सिस्टम के लिए आपको करना क्या है। अब देखो, काम स्टार्ट करते हैं इस सिस्टम पे। तो काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो है जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है उसको लगाना है। तो आज मंडे है, आज मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैं सबसे पहले यहाँ से मिड कैप निफ्टी को लगा दूं। मैंने मिड कैप निफ्टी का चार्ट लगा दिया, 9 सितंबर एक्सपायरी डेट है। अब इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, 13,017। यहां से मुझे 13,017 से मुझे 3 स्ट्राइक प्राइसेस दूर का कॉल और 3 स्ट्राइक प्राइसेस दूर का पुट, इनको बाय करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस वाले को बाय करूंगा और मैं यहाँ से 13,075 वाले को भी बाय करूंगा। मैंने इन दोनों को बाय कर लिया, ये यहाँ पे मेरा बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे इससे नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाना है जो 7 डेज बाद है।
16 सितंबर मैं सेम तीन स्टेप दूर एक दो तीन इनको करूंगा शॉर्ट, तो 13,075 को शॉर्ट करूंगा मैं, और साथ में मैं सेम तीन स्टेप दूर 12,925 को भी शॉर्ट करूंगा नेक्स्ट एक्सपायरी का। तो अब देखो मैंने क्या क्या पोजीशंस बनाई। मैंने करंट एक्सपायरी 13,075 की कॉल को किया बाय, जितने लॉट करना चाहता हूँ उतने लॉट, एक लॉट का मैं आपको एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ। मैंने करंट एक्सपायरी 12,925 की पुट को किया बाय, मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का 16 सितंबर यानी कि 13,075 के कॉल को किया शॉर्ट, और सेम वैसे 12,925 के पुट को किया शॉर्ट। ठीक है, अब मैं इसको एनालाइज करके आपको दिखाऊंगा। मैंने आपको क्या कहा था, आपका ब्रोकरेज जितना लॉस हो, आपका इस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है ना, मैक्सिमम लॉस वो हो सकता है 557 रुपीस पर लॉट। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, आप ऑप्शंस बाइंग करते हो, तो आपको पता होगा भाई ये जो लॉस है ना, ये तो इन सेकंड्स में आप ले लेते हो, और उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता। मार्केट ऊपर जाती है तो आप पुट लेके बैठे होते हो, मार्केट नीचे आती तो कॉल लेके बैठे होते हो। यहाँ पे मार्केट किसी भी साइड पे जाए, आपके पास पूरा 6 घंटे का टाइम होगा अपनी पोजीशन को स्केयर ऑफ। मैक्सिमम प्रॉफिट होगा आपका 10,056 रुपीस एक लॉट में। दैट मींस आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा वो होगा 1:20 का। अब आप हीरो जीरो ट्रेड करते हो ना, ज्यादातर ट्रेडर्स हीरो जीरो ट्रेड्स में ही मारे जाते हैं, उनका पैसा हीरो जीरो ट्रेड्स में ही खत्म होता है। यहाँ पे आप हीरो जीरो ट्रेड से नेक्स्ट लेवल की ट्रेडिंग कर पाओगे। बाकी अगर आप यही सब चीजें ऑटोमेटिक वे से करना चाहते हो, तो हमारा एक ट्रेडिंग रॉबर्ट आता है जहां पे यही सब चीजें आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। फिलहाल के लिए वो ऑप्शंस बाइंग में काम करता है, वो फॉरेक्स में काम करता है, वो क्रिप्टो में काम करता है, वो कमोडिटीज में काम करता है, इन सब चीजों में काम करता है। बट आने वाले टाइम में इस मंथ के एंड में वो ऑप्शन सेलिंग में भी स्टार्ट होने वाला है, और यही जो चीज मैं आपको मैनुअली करके दिखा रहा हूँ ये उसमें ऑटोमेटिक हुआ करेगा। आपको बस सुबह उसको एक बार ऑन करना पड़ेगा, और प्राइस इसका है बहुत रीजनेबल सा 23,000 रुपीज 24,000 रुपीज फॉर लाइफ टाइम ऑन अ स्पेशल डिस्काउंट। रिव्यूज देखने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना, ट्रेड विद संचित, जिसके आगे ब्लू टिक है। यहाँ पे फॉरेक्स बॉट, क्रिप्टो बॉट, मोबाइल रॉबर्ट, सबके रिव्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे मीटअप की कुछ फोटोज सब कुछ मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ा है, सब आप जाते यहाँ पे देख सकते हो। रॉबर्ट में कैसा पैसा बनता है जब इंडियन मार्केट चलती है, अब इंडियन मार्केट साइडवेज है इस टाइम, तो इस टाइम ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बन रहा, तो हमने अपना रॉबर्ट क्रिप्टो में फॉरेक्स में लॉन्च कर दिया, जहाँ पे बिना पैसा लगाए भी काम हो रहा है। तो रोबोटिक ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप उस सिस्टम में आ सकते हो। अब हम वापस आते हैं अपनी स्ट्रेटजी पे। ठीक है, तो अब आपको मैं पूरा इसका सिस्टम समझाता हूँ, ये किस सिस्टम पे बनाया गया है। यहाँ पे बेसिकली क्या किया है हमने, हमने यहाँ पे 12,914 और 13,090, मतलब ये 150 पॉइंट्स की रेंज है। अगर तो मिड कैप आज के दिन में इसी 150 पॉइंट के बीच में रह जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस हो जाएगा आपका 587 रुपीस का एक लॉट। भाई अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हो ना, तो बहुत बहुत बड़े लॉसेस आप लेते हो, पूरी पूरी कैपिटल वाइप आउट करते हो। यहाँ पे आपका लॉस फिक्स्ड, और वो भी ब्रोकरेज जितना लॉस, ब्रोकरेज ले लेते हो आप इससे ज्यादा एक सिंगल डे में, ब्रोकरेज जितना लॉस, प्रॉफिट पहाड़ जितना, रिस्क रिवॉर्ड आपके सामने आ रहा है। मार्जिन कितना चाहिए, 32,000 रुपीस पर लॉट, क्योंकि ये ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फंड्स लगभग 32,000 रुपीस चाहिए। पे ऑफ चार्ट पे जाते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया, आपका प्रॉफिट नहीं होगा अगर इस रेंज में मार्केट रहता है, जो रेंज मैंने आपको ऊपर बताई। इस रेंज के बाहर मार्केट जो भी निकलता है, तो वो आपका सारा का सारा प्रॉफिट होने वाला है, कंप्लीट प्रॉफिट होगा इस रेंज के बाहर मार्केट निकलने पे। और इस तरह से ये वाला सिस्टम काम करता है, ये आपको दिखा भी देगा अगर आज टारगेट डे पे कहाँ कहाँ पे मिड कैप निफ्टी जाता है, तो आपका कैसा कैसा प्रॉफिट हो सकता है पर लॉट, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगा। और बेसिकली हम क्या चाहते होते हैं एज एन ऑप्शन बायर, हम क्या चाहते होते हैं, मार्केट में मोमेंटम आए, हम मार्केट में मोमेंटम की तलाश में बैठते हैं एज एन ऑप्शन बायर। तो अगर एक्सपायरी वाले दिन पे मार्केट में मोमेंटम आपको मिल गया, तो आपका बन जाएगा बड़ा पैसा, और अगर नहीं मोमेंटम मिला, तो आप बहुत छोटा ब्रोकरेज जितना लॉस देके टेक लॉस कर दोगे। रिस्क भी मैनेज हो गया आपका, यहाँ पे आप ज्यादा लॉस भी नहीं कर सकते, आपका लॉस इतना छोटा होगा कि आपको पिंच भी नहीं होगा आपके कैपिटल का, हार्डली 0.5% लॉस है, लॉस पिंच भी नहीं होगा, जब प्रॉफिट होगा आपकी कैपिटल का 10-20% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से, और आप यहाँ पे ऑफ टेबल पे जाके जब देखोगे कि मिड कैप निफ्टी कितने पे जाएगा, तो आपका कितना प्रॉफिट होगा, अगर आज के दिन पे मिड कैप निफ्टी 13,200 पे चला गया, तो आपका पर लॉट 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अभी मिड कैप निफ्टी कहाँ पे है, 13,000 पे, यहाँ से 200 पॉइंट भी मूव कर गया, तो 3,000 का प्रॉफिट,
400 पॉइंट्स मूव कर गया यहाँ से तो 6700 का प्रॉफिट, 600 पॉइंट मूव कर गया तो 8279 का प्रॉफिट, 800 पॉइंट मूव कर गया तो 8700 का प्रॉफिट। सेम वे से अगर आपने सोचा मार्केट ऊपर जानी है बट मार्केट नीचे चलेगी आपका तो भी पैसा, 12800 पे चला गया तो 4348 का प्रॉफिट, 12600 पे चला गया 8330 का, 400 पे 9858 का और 10293 का। मतलब मार्केट गया ऊपर तो भी पैसा, मार्केट आया नीचे तो भी पैसा, मार्केट साइडवेज आ गया तो ब्रोकरेज का लॉस। ये सिस्टम है जिसके साथ आप नो लॉस स्ट्रेटजी में बड़ा पैसा बना सकते हो। और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, क्योंकि अगर एक ऐसा सिस्टम आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए भी चाहते हो तो वो भी आपके लिए लेके आऊंगा मैं आने वाले टाइम पे, बट तभी अगर इस वीडियो पे आप बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।